और बहुत सारे लोग पीड़ित है। यहीं से समाप्त। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग घायल हैं, बीमार हैं अस्पतालों में। कितने लोगों की जान गई? 123 तो वो हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ। सर जी गलत है, गलत है। 750 मैं था वहाँ। तुम तो वहाँ बाबा का आशीर्वाद लेने गए? नहीं सर, मैं बाबा का आशीर्वाद। और क्या? कभी नहीं गया, कोई ज्यादा मेरे गांव के लोग हैं, मैं कभी नहीं गया। गए नहीं? नहीं। चुप हो जाओ। देखो अभी ना आप पे आंकड़े हैं ना मेरे पास आंकड़े, लेकिन 123 लोग वो हैं जिनका पोस्टमार्टम हुआ। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बताया जा रहा है कि मरने वालों में बच्चों की संख्या बहुत है और महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो जो लोग बिना पोस्टमार्टम कराए अपनी बॉडी को, अपने पार्थिव शरीर को ले गए, ऐसे बहुत सारे लोग। मैं सुबह से कह रहा हूं कि भाई गलती किसकी है, किसकी है, सवाल मेरे सामने आ रहा है। तो मैं सच बोलने की हिम्मत रखता हूं। गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये सच। अगर व्यवस्था अच्छी की गई होती तो शायद इस घटना को, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता, या ये घटना नहीं होती। अगर व्यवस्था सही होती, बड़े अधिकारियों ने, पुलिस के अधिकारियों की, कर्मचारियों की ड्यूटी उस प्रकार से लगाई होती और उनकी संख्या पर्याप्त होती, 80,000 लोगों की परमिशन पे और 100 लोग अगर ड्यूटी करेंगे, एक आदमी अगर 800 आदमियों की जिम्मेदारी उठाएगा तो कहां संभव है। ये सच है, गलती पुलिस के अधिकारियों से भी हुई है, बिल्कुल सच है। लेकिन सच ये भी है कि सरकार ने भी लापरवाही बरती है, ये भी एक कड़वा सच है। क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि कौन लोग वहां ज्यादा संख्या में जा रहे हैं और उनके जीने और मरने से कोई फर्क किसी को पड़ता नहीं। लेकिन गलती हमारी भी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, गलती हमारी, हमसे बड़े पुराने नेताओं की, हमारे आंदोलन की गलती है कि हम लोग अपने निकम्मे समाज को समझाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। बाबा साहब का इतना बड़ा स्टैचू लगाते हो, घरों में बाबा साहब की तस्वीर लगाते हो, घरों के बाहर बाबा साहब के पोस्टर लगाते, इतने बड़े बड़े बैनर लगा रखे मैंने देखे इस बस्ती में, और फिर भी इन नकली बाबाओं के पास जाते हो। बाबा साहब अंबेडकर के संघर्षों को भूल के और वहां जाते हो ये सोच के कि आपकी गरीबी, परेशानी, लाचारी, बीमारी, आपकी समस्या बाबा ठीक कर देंगे, और तो बताओ कितनी ठीक हुई? परमानेंटली नहीं ठीक होगी क्या? अब इतने लोगों को कोई परेशानी नहीं रहेंगे जितने लोग मर गए हैं, इनको कभी कोई परेशानी नहीं होगी जिंदगी में, लेकिन इनके परिवार को जो परेशानी होगी वो परमानेंट ही होगी, बहुत लंबी जब तक ये जिएंगे। जिसने अपनी बहन खो दी, जिसने अपनी माँ खो दी, जिसने अपनी बेटी खो दी, जिसने अपना बेटा खो दिया, उनके जीवन में सदैव के लिए अंधेरा हो गया। महसूस करो, अगर हम अपने लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते कि अपने महापुरुषों के रास्ते पर चलना है और वो लोग महापुरुषों के रास्ते पर चलते तो ये दिन थोड़े देखना पड़ता। तो हमें अपने अंदर भी झांकना चाहिए। और इसका कारण यह है कि जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था तो मैंने कहा था कि देश आजाद हुआ लेकिन धर्म धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। तो जो लोग गरीब थे पिछले व्यवस्था के आधार पर, जब संविधान से पहले जो व्यवस्था थी, वो गरीब के गरीब रहे और अमीर अमीर होते गए। अब उन गरीबों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए तमाम तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं, और ये लोकतांत्रिक जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति को सुख सुविधा और सम्मान मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि आप वहां गए क्यों? आप इसलिए वहां जाते हो कि जो गरीबी आपकी जिंदगी में है, आपके बेटे को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, मकान टूटा फूटा मकान है, जमीन नहीं है, बीमार है, तो बाबा जी से आशीर्वाद लेके सब चीज ठीक हो जाएंगे। तो हुई क्या? हुई क्या? तो इसके बाद तो समझ आ जानी चाहिए भाई। अगर इसके बाद भी समझ नहीं आ रही है तो फिर भाई आप अपनी मौत के जिम्मेदार खुद ही होंगे, फिर किसी को क्या कोसना, किसी को क्या बुरा कहना। वो अलग है कि सरकार ने आपकी जान की कीमत 4 लाख रुपए लगाई,
2 लाख रुपए स्टेट सरकार ने और 2 लाख रुपए सेंटर की सरकार ने। उनको लगता है कि आपके जीवन की कीमत 4 लाख रुपए, जबकि सत्य नहीं। मेरा यह मानना है कि कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति पाल पोस के इसको बड़ा किया गया है और जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी टिकी है या जिससे परिवार जुड़ा हुआ है, जब वो नहीं रहा तो उसकी कमी तो कैसे पूरी नहीं हो सकती। लेकिन सरकार, मुख्यमंत्री आए थे, मुझे लगा था उनके आंसू पूछेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जब आके यहाँ पता लगा कि ये कौन लोग हैं जिनके साथ इतना जुल्म हुआ है, तो मुख्यमंत्री सोचा होगा इनकी जिम्मेदारी मेरे सर नहीं है, इनकी जिम्मेदारी तो चंद्रशेखर आजाद को उठानी है, तो वो क्यों उनकी मदद करे, तो 2-2 लाख रुपए देकर टाल के चले गए। ये है आपकी जिंदगी का सच। मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अंधविश्वास पाखंडवाद में मत पड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। वो अलग बात है कि सरकार ने रोजगार के सारे साधन खत्म कर दिए, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। भर्ती आती है, भर्ती बाद में आती है, पहले पेपर लीक हो जाता है, और जो भर्ती आ जाती है उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती होते, घोटाले हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम पे ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता तो हम पे इतने साल हम जुर्म सहते रहे सदियों, तब सब लोगों ने होते, किसने हमारी बात नहीं सुनी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें रास्ता दिखाया, भगवान बुद्ध ने हमें रास्ता दिखाया, सदगुरु रविदास जी ने, गुरु नानक देव ने हमें रास्ता दिखाया, गुरु कबीर ने हमें रास्ता दिखाया, लेकिन वो रास्ता ये नहीं है जो जिस रास्ते पे आप जा रहे हो। तो पहले तो हमारे यहाँ वैचारिक लोग थे, आंदोलन थे, समझाया जाता था, सिखाया जाता था, जागरूक किया जाता, अब तो बंद हो गया सब कुछ। और मैं तो आज की नौजवान पीढ़ी पे हंस रहा हूँ, तुम मैं तुम कैसे भेजने देते हो माँ को, वहाँ भेज देते हो, कैसे माँ मानती नहीं, अब कैसे मनाओगे माँ? अपनी जिम्मेदारी को अदा करो, सिर्फ मेरे आने पे घूमने से या नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, समाज में बैठ के समाज को जागरूक करो। जब तक आप जमीनी स्तर पे समाज को जागरूक नहीं करोगे तो जयंती बनाने से कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े बैनर लगाए, अलग अलग बैनर लगाए, अलग अलग कमेटी बनाई, क्या हुआ उससे? लेकिन फिर भी जाता हो वहीं रहे हो। आपको बाबा के रास्ते पे नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के रास्ते पे चलना होगा अगर आपको अपनी जिंदगी में उद्धार करना है। आपको अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, परेशानियां, बीमारियों का इलाज करना है तो आपको अपनी सामाजिक जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी और राजनीतिक ताकत भी बनानी पड़ेगी। और आप नहीं कर पाओगे ऐसा तो फिर कोई परिवार जाएगा बाबा के पास, और बाबा के पास जाने के बाद बाबा से क्या उम्मीद करेगा कि जीवन बदल जाए। और मैं तो ये जो मीडिया के साथी इनके माध्यम से कहना चाहता हूं, बाबा जी को, ये वाले बाबा जी, अपने वाले बाबा जी नहीं, उनके विचार तो हम पे हैं, ये जो बाबा जी यहाँ वाले, कि अगर वास्तविकता में इनके हितेशी हो तो इनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा अपनी तरफ से दो, अगर आप इनके हितेशी हो जिनकी जान चली गई, जिनके परिवार का सूरज छिप गया है, उनको कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दो, तब तो मैं मानूंगी आप इनके हितेशी, क्योंकि ये आप ही के नाम पे तो गए थे वहां। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये माना जाए कि आप भी इनसे कोई प्रेम नहीं रखते। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, ये जो मेरी माए बहने बैठी हैं, ये आपकी जाई वाले, तुमने बड़ा परेशान कर दिया, तुम्हें अपने इसकी पड़ी, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो इस तरह से, यहाँ इसका खामियाजा फिर भुगत लोगे क्या? मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते पे लेके चलो और इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकलो। कोई अगर कोई सामंती, कोई गुंडा अगर आप पे अपराध कर देता तो मैं उसके नकेल गिर देता आज, लेकिन यहां तो आप खुद गए हो जाके मरने की। अगर कोई गुंडा, बदमाश, सामंती इस तरह की हिम्मत जुटाता तो आज उसको आज ही नकेल गिर देता, उसको बताता कैसे हिम्मत जुटा जाती है। लेकिन अब इसमें क्या कहूं, किसको पकड़ू, किससे जवाब मांगू, इतने लोगों की जान, क्या मेरे लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है? कितने लोग चले गए हैं, एक जानवर मरता है तो भी बवाल हो जाता है, इतने लोग मरे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं आपसे तो अपील कर सकता हूं, नौजवान साथी खड़े हैं, कम से कम एक बार ऐसी जगह जाने से पहले एक बार इनकी तरफ भी देखा करो, जिन्होंने अपने चार चार बच्चे कुर्बान कर दिए हमारे लिए, जिन्होंने अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया हमारे लिए, और हम अपना परिवार कुर्बान कर रहे हैं बाबाओं के लिए, तो फिर हमारा कैसे उद्धार होगा भाई, बता। ये कुरीतियां जो हमारे समाज में घुस गई है, नशा हो किसी भी तरह का और ये अंधविश्वास पागल, इससे बाहर निकलो अगर जिंदा रहना है। आपकी मुक्ति का रास्ता
शिक्षा, सामाजिक जागरूकता, सत्ता से होकर निकलेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। जब आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी जेब में पैसे नहीं, कैसे बदल जाए आपके घरों की स्थिति। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, इन परिवारों के लिए तो मैं संवेदना प्रकट कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है अभी कुछ इतना। अगर मेरे हाथ में ताकत होती तो मैं करके दिखाता 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर इन परिवारों को, और जिन्होंने ये किया है, जो भी उसमें शामिल हो, कोई ऊपर ले कोई हो चाहे, आज उन सबको जो है उन पर कार्रवाई करके साबित कर दिखाता तो मैं किस तरह से जो गरीबों की जान से खिलवाड़ की जाती। अगर उचित व्यवस्था होती, जैसे एक अधिकारी ने मुझे बताया कि भैया पंडाल में कोई घुस नहीं सकता, तो ये तो घटना भी बाहर हुई, तो बाहर व्यवस्था क्या थी? 80,000, 1,00,000, 2,00,000 लोगों की जिम्मेदारी पे कितने लोग लगाए गए थे व्यवस्था के? ये फेलियर है सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस के बड़े अधिकारियों का, और अगर गाज भी गिरेगी तो इन पे गिरेगी बेचारों पे, इंस्पेक्टर पे, सीओ पे, दरोगा पे, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल पे, लेकिन जी जो अधिकारी दफ्तर में बैठ के ऑर्डर करते हैं उन पे नहीं गिरेगी गाज। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मेरा आग्रह है आपका बेटा होने के नाते कि इस अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकले, और इन पर जब भी आपको कोई ऐसा मन कर तो इन परिवारों को देख लेना जिनका सब कुछ उजड़ गया। मैं इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, मैं इस मामले को पार्लियामेंट में उठाऊंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा। सरकार बच नहीं सकती, सरकार भाग नहीं सकती है, और जो भी दोषी होगा इनकी जांच, मैं इसलिए देर से आया कि पहले शांत हो जाने दो, थोड़ा सा पता लग जाए क्या क्या हो रहा है, जो इनकी जांच कमेटी और इनकी रिपोर्ट बन जाएगी उसको भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे, और अगर हमें कहीं भी कोई कमी लगेगी तो फिर हम जो है पार्लियामेंट के जरिए इसकी पुनः जो है हर तरह से जांच करा के और अपने लोगों को रिलीफ दिलाने का, अपने लोगों की मदद कराने का काम करेंगे। 2-4 लाख रुपए में तो एक बच्ची की शादी भी नहीं होती, कैसे मुख्यमंत्री को लगा कि 2 लाख रुपए में जीवन खत्म, जीवन पूरा हो जाता है? एक तरफ 50 लाख रुपए का मुआवजा देते हो लखनऊ में, और दूसरी तरफ यहाँ 2 लाख रुपए का मुआवजा देते हो। ये है सबका साथ सबका विकास। हाँ सच है कि जाति धर्म देख के अब मुख्यमंत्री जी तो आपको परिवार मानते हैं, अपना परिवार बताते हैं, लेकिन क्या हुआ, जाति आड़े आ गई क्या? जो 2 लाख रुपए में बांटने की, क्या आड़े आ गया? इस सच को आप भी मान लो, इस सच को आप भी मान लो कि उनके जरिए आपका भला नहीं हो सकता। तो मैं इन परिवारों के प्रति महापुरुषों से प्रार्थना करूंगा कि उनको ये दुख सहने की शक्ति मिले और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि सरकार इनको उचित मुआवजा दे, इसके लिए भी हम भरसक आवाज उठाएंगे। लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आपकी जिंदगी की कीमत है, अगर किसी और के लिए नहीं तो आपके इस बेटे के लिए तो है ही, तो अपनी जिंदगी की कीमत को समझें और अंधविश्वास पाखंडवाद से बच के अपने जिसको भी इष्ट को मानना है अपने घरों में ही मान लें, इस तरह की भीड़ का ऐसा ना बने, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। भाई मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अपने साथ लेके चलें, और इस घड़ी में आज भी और हमेशा हम लोग सब आपके साथ हैं। और मैं महेंद्र जी से कहूंगा, चौधरी महेंद्र सिंह जी के, वो इन परिवारों के साथ आते जाते रहें, इन परिवारों के दुख सुख में शामिल रहें, और इनको अपनी टीम भेज के यहाँ कैडराइज करने का भी काम करें, अंधविश्वास पाखंडवाद से निकालने में भी आसानी करवाएं। ठीक है, मैं आप सबसे जो है के लिए मंगल कामना करता हूँ, और आपसे आशीर्वाद की अभिलाषा भी करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहेगा। ठीक है, आप जा चले जाना डॉक्टर का दिखा जाना, पहली बार में कुछ करता हूँ।